वजन कम करने के लिए कॉफी ज्यादा बेटर है या माचा? अच्छा, जब हम वजन कम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो कैलोरी इनटेक है वो कम होती है, लो होती है, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो भी लो हो सकते हैं। ऐसे में कॉफी और माचा दोनों ही ऐसी लो कैलोरी ड्रिंक्स हैं जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी एक बूस्ट मिलती है, जो हमारे बॉडी में जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है, हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बूस्ट होते हैं। दोनों ही ये सारे काम करती हैं, तो फिर कहानी में जो है वो ट्विस्ट क्या है? मैं दो तीन फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, फिर फैसला आप खुद ही कीजिएगा। कॉफी के एक कप में है 125 से 150 मिलीग्राम कैफीन। कॉफी का एक कप हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एक बूस्ट देगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, कैलोरी बर्निंग जो है वो फास्ट कर देगा, और फिर एकदम से थोड़ी देर के बाद जो है वो क्रैश कर देगा। कॉफी का टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं आता। कॉफी की वजह से कुछ लोग जो है वो बैड ब्रेथ की शिकायत करते हैं। कॉफी हमारे दांतों का जो एनेमल है उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं माचा की। माचा के एक कप में है 20 से 25 मिलीग्राम कैफीन, और माचा का एक कप जो है वो कॉफी की तरह हमारी बॉडी को इंस्टेंटली जो है वो बूस्ट नहीं करता, एनर्जी लेवल्स को ग्रेजुअली आराम आराम से जो हमारे एनर्जी लेवल्स है उनको ऊपर लेकर आता है, हाई करता है, हमारी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको किक देता है, उसको फास्ट करता है, हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, और ज्यादा देर तक कॉफी की निस्बत ज्यादा देर तक जो है वो हमारे एनर्जी लेवल्स जो है वो हाई रहते हैं। माचा में आपको कॉफी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। माचा जो है वो डायबिटीज के लिए अच्छा है, माचा लिवर के लिए अच्छा है, माचा जो है वो स्किन के लिए भी अच्छा। फैसला अब आप करें, आपने ज्यादा कैफीन लेके खाली वेट लॉस करना है या थोड़ी कैफीन लेके वेट लॉस भी करना है और बाकी के हेल्थ बेनिफिट्स भी लेने हैं।